नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के परफॉर्मेंस कर्व के बारे में, और इस वीडियो में हम पंप के हेड वर्सेस फ्लो रेट कर्व को अच्छे से समझेंगे, और इसकी एग्जांपल हम अपने घर में से ही लेंगे। जो हमारा एयर कूलर होता है उसका जो पंप होता है उस पंप से आपको एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि कैसे उसके जो हेड पंप के हेड और उसके फ्लो में क्या रिलेशन होता है, हेड बढ़ने से कैसे फ्लो कम होता है और हेड कम होने से कैसे फ्लो बढ़ता है। तो वीडियो का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल पंप के परफॉर्मेंस कर्व में चार कर्व होते हैं। पहला होता है हेड वर्सेस फ्लो कर्व, दूसरा होता है एफिशिएंसी कर्व, तीसरा होता है पावर कर्व, और चौथा होता है एनपीएसएच रिक्वायर्ड कर्व। इस वीडियो में हम हेड वर्सेस फ्लो कर्व को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ये जो कर्व आप देख रहे हैं, इसमें जो ये वाई एक्सिस आप देख रहे हैं, ये वाई एक्सिस इंडिकेट करती है पंप के हेड को, यानी हेड मतलब कि पंप वर्टिकल हाइट तक, कितने हाइट तक लिक्विड को पहुंचा सकता है। और यहां पे ये जो हाइट है इसको हमने इंडिकेट किया है 0 से लेके 60 मीटर तक, यानी ये जो यूनिट है इसका वो मीटर में है। और ये जो एक्स एक्सिस है ये इंडिकेट करती है पंप के फ्लो रेट को, यानी पंप कितनी क्वांटिटी लिक्विड को आगे भेज रहा है। और यहां पे ये जो फ्लो रेट है ये हमने 0 से लेके 120 MQ/h तक इसको इंडिकेट किया है इस कर्व में। तो दोस्तों अभी आपको हेड और फ्लो की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी कि ये क्या है। अभी हम वो जो एग्जांपल लेके देखते हैं, घर में जो हमारा एयर कूलर होता है उसका जो पंप होता है वो पानी में डिप रहता है और उसका एक डिस्चार्ज पॉइंट होता है। वहां से हमने जो एयर कूलर की पाइप होती है वो निकाल देनी है, और वहां पे हमने एक सिंगल पाइप वहां पे कनेक्ट कर देनी है, और वहां पे हमने पंप को स्टार्ट कर देना है। और दोस्तों वो जो सिंगल पाइप है वो हमने थोड़ी हाइट तक उठानी है, और उस हाइट तक उठानी है जहां पे जाके वो पंप जो है वो उसका जो फ्लो है वो आना बंद हो जाए। और जिस हाइट पे उसका फ्लो आना बंद हो जाएगा वो पंप का शट ऑफ हेड है। यहां पे जो आप कर्व में देख रहे हैं ए पॉइंट, यानी उस हाइट पे जिस पे फ्लो रेट आना बंद हो गया वो उस पंप का शट ऑफ हेड है। शट ऑफ हेड का मतलब होता है कि वो हाईएस्ट पॉइंट जहां पे पंप कोई भी फ्लो नहीं देता, यानी आपने वो हाइट इतनी कर दी कि वहां पे उस हेड का यानी उस पंप का फ्लो बिल्कुल जीरो हो गया। अगर हम उसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो पंप फ्लो देना शुरू हो जाएगा, यानी वहां पे हेड तो ज्यादा होगा मगर फ्लो रेट बहुत कम होगा। तो अगर हम उस पाइप को थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो आप देखेंगे फ्लो रेट और बढ़ जाएगा, और अगर हम उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आएंगे यानी ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे हेड बहुत कम हो जाएगा और फ्लो रेट जो होगा वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो थी एक प्रैक्टिकली एग्जांपल, और अभी हम इस कर्व में समझेंगे। दोस्तों ये जो ए पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम शट ऑफ हेड बोलते हैं, यानी शट ऑफ हेड मतलब जहां पे पंप का फ्लो जो है वो जीरो होता है और मैक्सिमम हेड वहां पे फ्लो पंप का जीरो रहता है, जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया है मैंने। तो अगर हम कर्व में देखें तो ये जो ए पॉइंट है ये 40 और 50 के बीच में 45 हेड आ रहा है, और अगर हम इसके नीचे की लाइन जो एक्स एक्सिस में देखेंगे तो यहां पे इसका जो फ्लो है वो जीरो दिखा रहा है, यानी 45 मीटर हेड पे ये जो फ्लो है वो जीरो है इस कर्व के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे ये कर्व नीचे की तरफ गया, और अगर हम 40 मीटर हेड पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक्स एक्सिस में ये मीट करता है 40 MQ/h को, यानी 40 मीटर हेड पे 40 MQ हमको फ्लो मिलेगा इस कर्व के अकॉर्डिंग। और अगर हम और नीचे आते हैं 30 मीटर हेड पे आते हैं तो 30 मीटर में अगर हम इस कर्व के अकॉर्डिंग देखें तो 80 MQ हमको पंप से फ्लो मिलेगा, यानी जैसे जैसे हेड नीचे आ रहा है वैसे वैसे इस कर्व के अकॉर्डिंग फ्लो बढ़ रहा है। और अगर हम 10 मीटर हेड पे यानी बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, सिर्फ 10 मीटर हेड पे आते हैं तो यहां पे वो पंप इस कर्व के अकॉर्डिंग 120 MQ फ्लो देगा। तो जैसे जैसे हेड कम होता है वैसे वैसे फ्लो बढ़ता है, और अगर पंप का हेड बढ़ता है तो उस पंप से हमको फ्लो कम मिलेगा,
तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हेड वर्सेस फ्लो कर्व है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इस कर्व में भी और प्रैक्टिकली एग्जांपल में भी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।